तो जो लोग इसके आगे से देख सकते हैं, जो लोग अभी पहले देख रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो है, तो वो लोग उस वीडियो को जा करके देखें, तब ज़्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे। और तो आज का है गुण संधि तक हो गया था हमारा, गुण संधि तक हो गया था। दूसरा था गुण संधि, और अब तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा देखने वाले हैं क्या, वृद्धि संधि। तीसरा क्या देख रहे हैं हम लोग, वृद्धि संधि को देख रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को फिर संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी वीडियो में जो भी संधि पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे वृद्धि संधि से पढ़ रहे हैं आज, तो यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, हमारा विश्वास है। तो वृद्धि संधि आज देखने वाले हैं, गुण संधि तक इसके पहले वाले वीडियो में हो गया था। तो जो लोग अभी पहला वीडियो जिसका है पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा मतलब वीडियो है कि कैसे ख़राब है, पढ़ने के बाद पता चलेगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसके बाद अगर अच्छा लगे तो वहाँ से जा करके और वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए वृद्धि संधि को इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या आ जाता आता है, अ या आ के बाद अगर ए आए, चाहे ए आए, ए आ सकता है, या तो ओ आए चाहे ओ आए, ठीक है। क्या आता है, अ या आ के बाद ए आए चाहे ए आए, और ओ आए चाहे ओ आए, तो क्या हो जाता है, अगर अ या आ के बाद ए आएगा, क्या आएगा, ए या ए आएगा, तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे क्या, ए मिलकर के और ए मिलकर के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना, कहने का मतलब अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद क्या आता है, ए या ए आए, तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। अगर अ या आ के बाद क्या आ जाए, ओ या ओ आए चाहे ओ आए, तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, अ या आ के बाद ए या ए आए, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। अ या आ के बाद अगर ओ आए चाहे ओ आए, तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उदाहरण देखिए, पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, अगर ए आए चाहे ए आए, पहले इसी का उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए इसका उदाहरण पहले देख लेते हैं, जैसे हित धन एसी, क्या देख रहे हैं, हित धन एसी। तो क्या होता है, अ या आ, तो इसके अंत में क्या है, त में अ है कि नहीं है, त में अ है कि नहीं है, त त बोलेंगे तो अ आएगा, कहने का मतलब अ है त में, प्लस यहाँ क्या आया है, ए आया है। तो अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए आए चाहे ए आए, तो ए आया है, तो दोनों मिलकर के क्या होते हैं, ए होते हैं, क्या होते हैं, ए होते हैं। तो ए की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो हितैषी क्या हो गया, हितैषी, हितैषी ऐसे ये वाला सर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, इसको सही कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर से ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना, हितैषी ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ अ या आ के बाद ए आया है, तो मिलकर के क्या होते हैं, अ या आ के बाद ए आए चाहे ए आए, तो दोनों मिलकर के ए होते हैं ना, तो ए हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ तय ए की मात्रा आ गई है, हितैषी, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं, और उदाहरण इसी का देखते हैं, जैसे सदा धन एव, क्या क्या है, सदा धन एव, तो द में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, प्लस यहाँ क्या है, ए है, क्या है, ए है। अ या आ के बाद ए आए चाहे ए आए, तो क्या आया है, ए आया है चाहे ए आया है, कहने मतलब ए आया है, तो दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, ए बनते हैं, ए हो जाएगा यहाँ पे। तो ए की मात्रा जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सदैव, द पर कौन सी मात्रा आ गई, ए की मात्रा आ गई, कहाँ पर, द पर, तो दय हो गया, ए की मात्रा लगी, तो ए हो गया। और उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे महा धन ऐश्वर्य, क्या हुआ, महाधन ऐश्वर्य, ठीक है। तो यहाँ ह में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा है कि नहीं है, है, और यहाँ क्या है, ए है, तो अ या आ के बाद ए आया है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य बराबर यहाँ महेश्वरी, महेश्वरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ है क्यों हो गया, क्योंकि ए होता है ना, तो है हो गया, मात्रा ए की लग जाएगी, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब ये उदाहरण देखते हैं, अगर वो आए चाहे अव आए, तो देख ले रहे हैं इसको भी,
जैसे इसको आप देख रहे हैं, इसको जैसे परम धन ओज, परम धन ओज, म में क्या है, अ है कि नहीं है, म में, म में अ है, हर व्यंजन में अ होता है तो म में भी अ है कि नहीं है, अ है ना, और यहाँ पर ओ है तो क्या हो जाएगा, अ या आ के बाद ओ आए चाहे ओ आए, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, तो क्या होता है, अ होता है, तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, यहाँ पे मिल करके अ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब अ की मात्रा लगाएंगे परमौज, क्या हो जाएगा, परमौज हो जाएगा, क्योंकि अ की मात्रा यहाँ पर लग गई है, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं, परम धन ओजस्वी, क्या, परम धन ओजस्वी, ठीक है, परम धन ओजस्वी, तो म में क्या है, अ है कि नहीं है, और यहाँ ओ है तो अ धन ओ बराबर अ होता है, अ धन ओ रहे चाहे औ रहे दोनों यहाँ, लेकिन अव ही होगा, ठीक है, अव ही होगा, तो क्या हो जाएगा, परमौजस्वी, 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 ये हो गया। तो ये वृद्धि संधि थी, वृद्धि संधि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसका उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से आप लोग समझ जाएंगे, उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा करिए, किसी बुक को ले लीजिए, उसमें जितना भी दिया गया है सभी को करिए, संधि कीजिए सभी का, विच्छेद कीजिए, तो ज़्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना होगा, नियम यही रहेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, इसी नियम के अनुसार आप लोग संधि बहुत आसान आप लोगों के लिए संधि हो जाएगी, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं, वृद्धि संधि हो गया, अब क्या है, वृद्धि के बाद यण संधि पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है, यण संधि को देख लेते हैं, यण संधि को देखते हैं, इसका क्या नियम है, तो इसमें होता है ई उ री, ई उ री के बाद, इसके बाद क्या आता है, इतना के बाद कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर आता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, ई के भिन्न, ई के बाद भिन्न स्वर आ सकता है, ऊ के बाद भिन्न स्वर आ सकता है, री के बाद भिन्न स्वर आ सकता है, ठीक है, चाहे ई के बाद भिन्न स्वर आए, चाहे ऊ के बाद भिन्न स्वर आए, चाहे री के बाद भिन्न स्वर आए, तो क्रमशः क्या हो जाता है, ई के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तब क्या हो जाता है, अगर ई के बाद भिन्न स्वर आए तो हो जाएगा क्या, ई का ई हो जाएगा, ऊ के बाद भिन्न स्वर अगर आता है तो ऊ का उ हो जाता है, री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो री का र हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए, भिन्न स्वर का मतलब कोई दूसरा स्वर रहेगा, इससे अलग रहेगा, ठीक है, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य होता है, ऊ के बाद भिन्न स्वर आता है तो ऊ का व होता है, री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री का र होता है, तो उदाहरण के द्वारा समझ लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, जैसे अति धन अंत, क्या, अति धन अंत, त में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है कि नहीं है, ती, छोटी ती है तो ई की मात्रा है, प्लस अ आया है यहाँ पर, कहने का मतलब ई के बाद कोई दूसरा स्वर आ गया है, अ आ गया है, अगर ई के बाद ई यहाँ आता तो समान स्वर रहता, तब भिन्न स्वर नहीं रहता, लेकिन ई के बाद कोई दूसरा स्वर आ जा रहा है तो उसको भिन्न स्वर कहते हैं, असमान स्वर कहते हैं, तो ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो ई के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तब क्या होता है, ई का यह होता है, तो यह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ, जब यह हो जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा अत्यंत, क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा, कैसे अत्यंत हो गया, तो इसको तोड़ करके हम लोग देख लेते हैं कैसे हुआ है, तो इतना हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, इसको और एक तरह से समझ सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे समझिए ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, हम इसको तोड़ दे रहे हैं, पहले ती को ले रहे हैं और अ को ले रहे हैं, ठीक है, और इसको छोड़ दे रहे हैं इधर, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, ती को ले रहे हैं प्लस अ को ले रहे हैं, ठीक, और इसके आगे जो रहेगा वही रहेगा, इसके पीछे जो है वही रहेगा, ठीक है, तो देखिए, नहीं तो पूरा ले लीजिए, पूरा लेकर देख लेते हैं, अति धन अंत है तो चलिए अ सबको तोड़ दीजिए, इसको अ हो गया प्लस त हलंत लग जाएगा, प्लस मात्रा कौन सी है, छोटी ई की मात्रा है इस पर, है ना, त पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ हुआ प्लस ए वाला ले रहे हैं अब अ प्लस अनुस्वार को,
आधा न भी लिख सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब आधा न भी लिख सकते हैं, प्लस त प्लस अ। इसको जब पूरा तोड़ेंगे तो यही होगा ना, यही होगा। तो ई का, जैसे ई का क्या होता है, यह हो जाता है अ प्लस आधा त प्लस ई का यह, ई का यह प्लस अ प्लस आधा न प्लस आधा त प्लस अ। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको पूरा जोड़ देंगे, एक शब्द बना देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए अ यहाँ पर है प्लस त, त के नीचे अगर हलंत लगाए तो आधा त रहता है वो, ठीक है। इसके बाद यह है, यह में अ जुड़ेगा तो यह हो जाएगा, हलंत हट जाएगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ गए न है तो आधा न, आधा न को अनुस्वार भी लिख सकते हैं, चलो अनुस्वार न लिख करके हम आधा न ही लिख रहे हैं। इसके बाद त है, त के बाद अ है, कहने का मतलब हलंत नहीं रहेगा तब अ है, तो क्या बन गया, अत्यंत बन गया कि नहीं बन गया, अत्यंत बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो इसको पूर्ण रूप से जब तोड़ देंगे तब पर भी यही बनेगा, ठीक है, तब पर भी यही शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अत्यंत। चाहे हम इसे डायरेक्ट लिख दें यहाँ, चाहे इसे तोड़ करके पूरा निकालें, तब पर भी यही बनेगा, क्या बन जाएगा, अत्यंत। अत्यंत बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यदि धन अपि, तो यदि दी है यहाँ पे, कहने मतलब ई है, छोटी है यहाँ पे और यहाँ पर है अ। अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर, तो अ भिन्न स्वर है, अलग स्वर है, ई से अलग है अ, तो ई क्या, यह होता है, क्या होता है, यह होता है, तो क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, तो यदि धन अपि है ना, तो चलिए देखते हैं, ई को तोड़िए, ई प्लस अ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फिर द को तोड़िए, द प्लस छोटी ई है, इतना हुआ, प्लस यहाँ पर अ है, प्लस प है, प्लस छोटी ई है, ठीक है। तो क्या होता है, ई के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है, ई के बाद अ है तो भिन्न स्वर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई का यह हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यह बनता है, लेकिन हलंत हल लगता है नीचे, हल लगा करके परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इतना का हो गया यह, तो अब इतना लिखते हैं, ठीक है, य प्लस अ प्लस द, द प्लस यह, अब नहीं लिख रहे हैं, इस ये परिवर्तन हो गया यह में, ठीक है, यह प्लस यह हो गया, हो गया प्लस, प्लस यहाँ पर है प प्लस छोटी ई, क्या हो जाएगा तब, यह और अ है तो यह हो जाएगा, कहने का मतलब यह में हल है तो अ भी है, तो यह हो गया पूर्ण रूप से, यह हो गया, फिर आधा द, फिर यह, देखिए ई का यह होता है लेकिन अ भी साथ में है, इसके इसलिए यहाँ पर हलंत हटा देंगे, यद्य प और ई से पी बन गया, तो बन गया यद्यपि, यद्यपि बन गया कि नहीं बन गया, यद्यपि यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं, परि धन आप्त, यहाँ है ई, यहाँ आ है, ई और आ से मतलब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया है तो ई का यह हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और इसमें ध्यान देंगे, मात्रा जो लगता है ना, मात्रा, मात्रा जो है भिन्न स्वर का लगता है, भिन्न स्वर की मात्रा लगाते हैं, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। मात्रा जो जोड़ने के बाद मात्रा का प्रयोग होता है, तो भिन्न स्वर मतलब जो अलग स्वर आया रहता है, मात्रा उसी का लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, परिधन आप्त बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो पर्याप्त हो गया यहाँ, पर्याप्त कैसे हो गया, इसको तोड़कर देख लेते हैं हम लोग, परिधन आप्त, ठीक है। तो तोड़िए इसको, प धन अ
मिलकर के प पूरा बना है, प्लस र प्लस छोटी ई, अब यहाँ आ जाइए प्लस आ प्लस प, आधा प लिखने के लिए हलंत लगा देते हैं, हल लगा देते हैं, प्लस त प्लस अ, इतना है पूरे में। ठीक है, तो ई के बाद आ आया है, ई के बाद भिन्न स्वर आया है। ठीक है, तो इकाया हो जाता है, और मात्रा जो लगता है भिन्न स्वर का लगता है, भिन्न स्वर जो है अलग स्वर आया रहता है, इसी का मात्रा लगता है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तब जोड़िए प और अ, प हो गया पूरा, प हो गया आधा, प और अ करेंगे तो पूरा प हो गया, प प्लस आधा र प्लस या हो गया यहाँ पे, प्लस प और त हो गया क्या, पूरा प हो गया, प्लस पूरा त हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए आधा र लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है, उड़ंतु र लिखा जाता है, पर्याप्त हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर जो या क्यों हो गया, या इसलिए हो गया क्योंकि मात्रा जो लगती है भिन्न स्वर की मात्रा लगती है। ठीक है, तो भिन्न स्वर आया है, ई के बाद आ अलग स्वर आया है, इसके इसीलिए मात्रा ये लगा है आ का। ठीक है, तो आगे देखते हैं, और देखते हैं उदाहरण, सु धन आगत, अब क्या आ गया है, अब उ आ गया है, सु कहने का मतलब, तोड़िए इसको पहले तोड़कर देखिए, स प्लस छोटा उ आया है, प्लस आ आया है, प्लस ग हलंत लगाकर अ लिखेंगे तब ग हुआ, प्लस त रहता है त में। ठीक है, इतना हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं इतना। चलिए, तो उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उ का वह हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, वह हो जाएगा, लेकिन मात्रा कौन सी लगाते हैं, मात्रा भिन्न स्वर का लगाते हैं, तो भिन्न स्वर क्या है, आ है, तो आ की मात्रा यहाँ पर लगा देंगे। चलिए, अब जोड़ सभी को जोड़ दीजिए, आधा स यहाँ बचा है अभी, स्व वाह यहाँ है, फिर ग में अ लगाएंगे, पूरा ग हो गया, फिर त में अ जोड़ेंगे, पूरा त हो गया, क्या हो गया पूरा, आधा स हलंत लगा, हल लगा है तो आधा स है, तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, स्वागत, दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, अंतर नहीं है, सिर्फ स आधा सा लिखने का तरीका यहाँ ऐसे लिखा जाता है और हल लगा करके नहीं लिखा जाता है, तो ये तरीका है लिखने का, इसलिए ऐसे लिखा गया है, तो ये भी समझ गए होंगे आप। ठीक है, ईण संधि को भी समझ गए होंगे, और इसमें अगर री आए तब क्या होता है, री को भी देख लेते हैं अभी, अगर री आता है तब क्या होगा, चलिए री अगर आता है तब क्या होता है, री कर हो जाता है, तो देखिए मातृ मातृधन आज्ञा, क्या मातृधन आज्ञा, तो त्रि री है इसमें, री है ना, री की मात्रा कहने मतलब ये वाली मात्रा है, री प्लस आ है, तो री का र होता है, तो चलिए इसको तोड़ करके हम लोग देख रहे हैं तब ज़्यादा बढ़िया समझ पाएंगे, मातृ धन आज्ञा। ठीक है, तो मा प्लस आ की मात्रा प्लस त प्लस री की मात्रा, ये वाली री है। ठीक है, री प्लस यहाँ अब आ गया, आ प्लस ज्ञ, ज्ञ लिखने के लिए आधा ज लिखते हैं, प्लस इय प्लस अ भी लिख सकते हैं, तो इसमें मिला ही रहता है, तो चलिए जोड़ देंगे अभी, सब सही हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तब क्या होता है, री के बाद भिन्न स्वर आया है कि नहीं आया है, री से अलग है कि नहीं है, आ अलग है, तो री का र हो जाता है, और मात्रा कौन सी लगाते हैं, आ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि मात्रा भिन्न स्वर का लगता है, तो भिन्न स्वर आ है, तो आ की मात्रा यहाँ लगा दिए हैं, तो अब इसको जोड़ दो सभी को, म और आ, मा हो गया प्लस आधा त प्लस रा। ठीक है, प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं, आधा त प्लस रा यहाँ है, इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये बदल गया इसमें रा में, रा प्लस प्लस नहीं लिखेंगे, ज ईय और ऐसे ज्ञ बनता है, ज्ञ लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मा आधा त लिखेंगे, आधा त और र से क्या बनता है, त्र बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ इससे मिलकर के त्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आधा त प्लस र से क्या बनता है, त्र बनता है कि नहीं बनता है, त्र बनता है, तो यहाँ त्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मात्रा ज्ञा। ठीक है, आके यहाँ आथा, ठीक है आथा, मात्राज्ञा हो गया कि नहीं हो गया, मात्राज्ञा हो गया, तो ईण संधि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग ईण संधि समझ गए होंगे, तो अब देख लेते हैं ईण संधि के बाद अब कौन सी संधि देखेंगे, अयाद स्वर संधि देखेंगे, अयाद स्वर संधि देखेंगे, जो कि स्वर संधि में अंतिम है, तो चलिए अयाद स्वर संधि को देख लेते हैं, और इसी तरह से आसान तरीके से वो भी उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ईण संधि हो गया, अब अयाद स्वर संधि, अयाद संधि लिखिए चाहे स्वर संधि लिखिए, मतलब एक ही हुआ। ठीक है, अयाद संधि में क्या होता है,
इसमें होता है ए ए ओ औ के बाद, इन सभी के बाद क्या आता है, भिन्न स्वर आता है। भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब अलग स्वर, असमान स्वर। ठीक है, तो ए का ए हो जाता है, ए का क्या होता है, ए का आय हो जाता है, और ओ का अव हो जाता है, और अव का आव हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, देखिए एक के बाद अगर भिन्न स्वर कोई अलग स्वर आता है तो एक की जगह पर अय हो जाएगा, अगर अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय की जगह पर आय हो जाएगा, ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो दोनों के स्थान पर अव हो जाएगा, अगर अव के बाद भिन्न स्वर आए तो आव हो जाएगा। और मात्रा भिन्न स्वर का लगता है, मात्रा जो है मात्रा भिन्न स्वर का ही लगता है, मात्रा कौन सा लगाते हैं, भिन्न स्वर का ही लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे ने धन अन, ने धन अन, न में क्या है, एक ही मात्रा है, क्या है, न में एक ही मात्रा है। ठीक है, ए प्लस अ, तो ए के बाद भिन्न स्वर आया है तो ए का अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ, तो ने का न हो जाएगा, न। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे फिर से पूरा तोड़ कर देख लीजिए, ने धन अन है ना, तो न को तोड़िए पहले, न करेंगे मतलब आधा न, प्लस ए की मात्रा, प्लस अ है यहाँ पे, प्लस न है, इतना हुआ। अब ए के बाद भिन्न स्वर आया है, ठीक है, ए के बाद भिन्न स्वर आया है, भिन्न स्वर का मतलब अलग स्वर, तो आधा न लिखेंगे, प्लस ए लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, ये बदल जाएगा दोनों मिलकर किस में, अ हो जाएगा ना, अ होता है, ए का अ हो जाता है, तो अ हो गया यहाँ, प्लस आधा न प्लस अ, तो इसको भी जोड़ दीजिए, आधा न और अ तो पूरा न हो जाएगा, फिर यह है, फिर न है और अ, न आधा न और अ से पूरा न हो जाएगा, तो क्या बन गया, नयन बन गया, नयन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब दूसरा और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग, गए गए धन अक, तो ए के बाद भिन्न स्वर आया है तो ए का आय हो जाता है, ए है यहाँ पे, ए प्लस भिन्न स्वर बराबर आय हो जाएगा, तो देखिए कैसे हो जाएगा, गए है धन अक, तो गए को तोड़िए, ग धन ए है, इसमें कहने का मतलब है, प्लस अ है, प्लस प्लस क प्लस अ, ठीक है, तो ए के बाद भिन्न स्वर आया है तो ए का आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, तो ग यहाँ लिखिए, आधा ग हो गया है यहाँ पे, प्लस आय प्लस क और अ से, आधा क प्लस अ से क पूरा बन गया, तो ग आधा ग प्लस आ, तो गा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो गा हो जाएगा, फिर यह है, फिर क है, क्या बन गया, गायक बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। इसके आगे चलते हैं, अगर ओ आता है तब क्या हो जाएगा, जैसे पो, पो धन अन, तो ओ का अव होता है, अव, तो पो का पव हो जाएगा, और ना इसको जोड़ देंगे, पवन हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो तोड़ करके समझ लीजिए, पो धन अन, तो प प्लस ओ की मात्रा प्लस अ है यहाँ पे, प्लस न में अ की मात्रा। ठीक, तो ओ के बाद भिन्न स्वर आया है तो ओ का अव हो जाएगा, अव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो यहाँ आधा प बचा, अब आधा प बचा, प्लस ओ का अव हो गया, ये दोनों मिलकर के, प्लस यहाँ पर न है, और न में आधा न में अ मिला देंगे तो पूरा न बन गया है ना, हलन थट जाएगा यहाँ पे, न बन गया है, तो आधा प प्लस अ, मतलब हलन प में है तो अ जब इसमें मिला देंगे तो हलन थट जाएगा, फिर वह है, फिर न है, क्या बन गया, पवन बन गया, पवन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब इसके आगे देखते हैं,
अब इसके आगे देख लेते हैं। भाव भाव धन उक, तो अव के बाद भिन्न स्वर आ गया है, अब तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, अव प्लस भिन्न स्वर उ है तो आव होता है, तो भाव हो जाएगा यहाँ पे भावुक। ठीक है, कैसे हो जाएगा इसको तोड़ कर देखते हैं हम लोग। भ, चलिए भव धन उक है ना, चलिए भ में अव की मात्रा है कि नहीं है, है, प्लस यहाँ पर उ है, प्लस यहाँ पर क है, ठीक है, कम रहता है, छिपा रहता है सभी में, तो भ यहाँ है, औ धन उ कहने का मतलब औ के बाद भिन्न स्वर अलग स्वर आया है, तो औ का आव होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर देखिए होता है, यहाँ दिखाया गया है होता है, ठीक है, तो भ लिखिए यहाँ जो बचा, इधर जो बचा है उसको लिख लेते हैं, कहने का मतलब भ हलंत सहित है, प्लस आव है, प्लस यहाँ क, क में अ जब जोड़ देंगे तो हलंत है, यहाँ पर हलंत हट जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, भ में आ जोड़ेंगे तो भा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, वह जो है मात्रा, मात्रा भिन्न स्वर का लगता है, यहाँ पर देख लीजिए, मात्रा भिन्न स्वर का भाव, यहाँ उ भाव हो जाएगा, भावुक, ठीक है, क्या हो गया, भावुक हो गया। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आया हो तो फिर से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, और आज स्वर संधि समाप्त हुई यहीं पे, अब इसके बाद के वीडियो में दूसरा मतलब व्यंजन संधि देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को, इस चैनल पर जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट है, काफ़ी वीडियोज़ हैं हिंदी के, सामान्य हिंदी के वीडियो और भी वीडियो हैं, तो अपने काम का वीडियो आप सभी इस चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी कोई अगर दिक्कत हो इसमें तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।